एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे जी, फिट फाट होंगे जी। तो गाइस आप लोगों के पास एक मैं नया व्लॉग लेके हाजिर हूँ। आज का व्लॉग जी एक बहुत ही मजे का होने लगे, क्योंकि जी आज के व्लॉग में हम करेंगे जी एक लाइट सा मेकअप। कुछ टाइम पहले मैंने जी अपने एक कजन की शादी पे जी ये ड्रेस पहना था और यही वाला मेकअप किया था जी। मुझे अपनी ये लुक बहुत पसंद आई थी और मुझे उस टाइम में सबने कहा था कि ये मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम बिल्कुल यही वाला मेकअप करें और आप लोगों को भी बताऊं कि मैंने ये मेकअप कैसे किया था। किया तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से था, क्योंकि गन मन मारना मुझे आता है, किसी टाइम पे छक्का लग जाता है, कोई अच्छा हो ही जाता है। तो करते हैं जी स्टार्ट अपना मेकअप। तो जी सबसे पहले हमेशा की तरह करते हैं जी प्राइमर जी। तो हम अपनी स्किन को सबसे पहले करेंगे जी बहुत अच्छा सा प्रेप। प्रकृति मेरे मुंह पर जी दाने ना निकले, अभी भी तो खैर मेरे मुंह पर दाने वगैरह निकलते नहीं है, अच्छी स्किन है मेरी बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र नहीं लगाइएगा। उसके बाद हम करेंगे जी फिक्सर। अब हम करेंगे जी फिक्सर को ड्राई। ये तो फिक्सर हो गया है हमारा ड्राई। इसमें जी हम हैक्स भी करेंगे, जो कि मैंने आज टिकटॉक पे कुछ हैक निकाले थे जी। तो मैंने हेयर वाला जो हैक बनाया था मुझे व्हाट्सएप पे तो चार बंदों ने जी, उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं जी कि मैंने बहुत मज़े का किया था। और मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी बोला कि वो हमारे बड़े काम का हैक था और मैंने बहुत ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आप हैक हमारे लिए लेके आती रहा करें। तो ज़रूर जी आज मैंने फिर एक दो मज़े के हैक्स निकाले, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। इस सबको करने के बाद हम लगाएंगे जी लेंस। आज लेंस याद आते हैं मुझे। लेंस में लग चुके हैं, अब हम लगाएंगे जी फाउंडेशन या कंसीलर। सोचो 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 सोचो, कंसीलर लगाते हैं जी। लगाने लगे जी अपना कंसीलर। गैसेस के साथ साथ अब हम करेंगे जी अपने कंसीलर को ब्लेंड। जी तो गाइस इसके बाद मैं करने लगी हूँ जी अपने फेस पे जी फाउंडेशन। सन ब्लॉक की ना छोटी सी डिब्बी के साथ ना बहुत सारा ना फाउंडेशन लगा होता था, लगा हुआ है बल्कि, क्योंकि ना मैं हाथ से उतार के ना ऐसे गिंदे लगा देती हूँ, इसको हम ना ऐसे यूज कर लेते हैं। तो गाइस फाउंडेशन हो चुके हैं, अब हम करने लगे हैं जी अपना फेस पाउडर। और कल मेरे से ये इतना बुरा गिरा है, मुझे बहुत दुख हुआ जब हम लोग ना व्लॉग चैलेंज वाला शूट करते, तो मैं ना अपने आप को तैयार करती, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करती, तो ये मेरे हाथ से गिर गया। मुझे शहीद ने अपनी तरफ खींचा कि जल्दी खड़ो, तो बस ये मुझसे टूट गया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होगी। जी गाइस फेस पाउडर भी मेरा हो चुका है, अब हम करेंगे जी थोड़ा सा आई मेकअप। ना थोपने के बाद आज इतना लाइट सा क्यों किया, ये मेरी जी बहुत ही पुरानी सी किट है, बट इसके अंदर मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो हम जी इसका पिंक यूज करेंगे। तो गाइस इतना सा ही हुआ था मेरा आई मेकअप उस दिन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इतना सही किया था। और इसके बाद जी अब हम करेंगे जी अंडर आई। तो मैंने इस रेवोल्यूशन वाली छोटी सी मिनी सी हाइलाइटर में से किया था। तो गाइस अब मेरा ये हाइलाइटर भी हो चुका है, अब हम करने लगे हैं जी अंडर आई व्हाइट पेंसिल। तो मैं अपनी व्हाइट पेंसिल ली। आपस की एक बात बताऊं, मैंने ना ये कुछ ना कलर वाले ना आईलाइनर्स मंगवाए थे, क्या हमें ये लगाने चाहिए या नहीं? लगा लूं ये ना खराब ही हो जाए, ऐसे लगाऊं पतला सा, बिल्कुल हल्का सा लगाएं। आउच एक गिर ही गया नीचे, इसको भी लगाते हैं। तो गाइस लग तो ये बहुत ही प्यारा रहा है।
रितिका ये थी मेरी सिर्फ आईज और इसको हम करेंगे जी बिल्कुल लाइट सा, इसको हम करेंगे जी बिल्कुल लाइट सा मस्कारा। रोज एक एक कलर का ना अब हम लगाएंगे जी आई लाइन। आज हमने ट्राई किया जी पर्पल, अब हम करेंगे जी रेड या ग्रीन नेक्स्ट में। ये तो मेरा आई मेकअप हो चुका है जी डन। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि मैंने ना आज एक टिकटॉक पे जी ट्रिक देखी थी, उससे की थी जो कंटूरिंग है, पता है कंटूरिंग कैसे की थी? मुझे सामने वाले मिरर पे देख रही यूं किया था जी इसने, ये जी। तो गाइस उसने की थी कुछ इस टाइप से कंटूरिंग और अब मुझे जी अपने हाँ इसी हाथ का यूज करना पड़ेगा और मुझे करनी पड़ेगी जी इस तरफ की कंटूरिंग। और जिन लोगों को जो कंटूरिंग का नहीं पता तो कंटूरिंग करते हैं जो ऊपर की तरफ, यहां से बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं करते। आप जितना ऊपर की तरफ कर सकते हैं आप उतनी ही ऊपर की तरफ करें। तो गाइस मेरी फेस कंट्रोलिंग डन हो चुकी है, बहुत ही मजे के हैक के साथ हुई है। जी तो मेरी ये कंट्रोलिंग हो चुकी है और जी ऊपर से मैंने ना बिल्कुल इधर माथे वाली साइड से लाइट किया और ये ना हमें ऊपर की तरफ माथे से करनी है ताकि ये ना हमारे बालों में जाके ना मतलब बिल्कुल ना सेम लुक दे। और इसी के साथ साथ जी अब हम करते हैं जी अपना ब्लश, ब्लश जो कि मैं इसी में से करूंगी। ये तो गाइस अब हम करते हैं जी, तो मैं ना एक ब्रश से लगाती हूँ और दूसरे से ब्लेंड करती हूँ ताकि ना वो बहुत ही ज्यादा ना एक ही ब्रश से आने लग जाए। ब्लश भी मेरा लग चुका है, अब हम करेंगे जी हाईलाइट। मुझे ना सबसे ज्यादा मजा आता है हाईलाइट लगाने में, तो अब हम करते हैं जी हाईलाइटर का कौन सा कलर लगाएंगे, गोल्डन ही अच्छा है। और इसी के साथ साथ जी अब हम लगा लेते हैं जी दा ब्यूटी की है जी ये थोड़ी सी पीच से शेड किया। इसी के साथ साथ जी मैं पीच कलर की पेंसिल भी लगाऊंगी। मेरा मेकअप हो चुका है जी डन। अब आप बताइएगा जी कि आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मुझे तो यार आज का मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा है सबके नस्बत कि ये मतलब ना सिर्फ पिंक पिंक शेड दे रहे हैं। और अब हम करते हैं जी अपना हेयर स्टाइल, स्ट्रेटनर जी मैं ऑन कर लूँ अपना स्ट्रेटनर ऑन कर लिया पर इसका पानी नहीं है तो मैं इसका जरा जी पानी दे क्योंकि ये स्ट्रीम वाला स्ट्रेटनर है ये पानी से चलता है। तो साइड पफ और मैंने ले ली है जी साइड वाले बाल एक तरफ और यहाँ से मैं लगाऊंगी जी कुछ पिंस, दो ही पिंस लगाऊंगी कुछ। और ये जी मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, अब हम करेंगे जी अपने कुछ ड्रेस को चेंज। तो ड्रेस हम चेंज करेंगे जो आज कुछ इस तरह जी। तो गाइस ये है जी मेरी फाइनल लुक, ये है जी मेरा फ्रॉक जो कि मैंने ना पता है एक अरबी गर्ल को पहने में देखा था तो मुझे बहुत शौक चढ़ा था कि जी मैं बिल्कुल ना इसी जैसा ड्रेस तैयार करवाऊंगी। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप लोग बताएंगे फाइनल, मुझे तो प्यारा ही लगेगा, मैं तो मैं आपको प्यारी लगूंगी, आप लोग फाइनल बताएंगे कि कैसा लग रहा है।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।